जिला कैथल के गांव बालू में सुबह के करीब शराब के ठेके में एक बेहद दर्दनाक हादसा हो गया। जैसे ही यह खबर आसपास के क्षेत्र में फैली, पूरे जिले में दहशत का माहौल पैदा हो गया। सूत्रों के मुताबिक शराब के ठेके में कुछ अज्ञात व्यक्ति द्वारा आग लगा दी गई। उस समय ठेके में मौजूद तीन लोगों में से एक तो अपनी जान बचाकर बाहर निकल आया, लेकिन दो लोगों की मौत हो गई। उक्त घटना की जानकारी मिलते ही थाना प्रभारी बिलास राम की अगुवाई में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया और उक्त मामले के बारे में छानबीन शुरू कर दी। वहीं शराब ठेका संचालक ने अज्ञात पर आग लगाने का आरोप लगाया है कि कुछ लोगों ने उसके ठेके पर आग लगाई है। मैं यहाँ बाहर दुकान पे सो रहा था, जब तुम आया तो मैंने फोन किया, मेरे आगे कुंडा लगा रखे था। तो कितने बजे के आसपास की घटना है, कैसे लगी? ये 2:30-3 बजे की घटना है। तो आग वगैरह किसके माध्यम से बुझाई गई? आग परगोवेटर से बजी। ये मामला कैसे हुआ? ये जी, मेरे पास 2:51 पे फोन गया था, यहाँ से आगे से सेल्समैन के आगे कुंडा लगा रखा था, उसका फोन आया कि आग लग गई है अंदर। इसमें जी मैं आया, पैरें पैरें बैठ गए इतने, यहाँ से कुंडा खोलिया, पीछे देखा, पीछे ज़्यादा आग लगी हुई थी, पीछे कोई बढ़ने का कोई वो नहीं था, वाड़ खुल देते आग लग गई थी। तो कितने लोग थे जिस दौरान घटना हुई इसके अंदर, और कितने लोगों की मौत हो गई? दो की मौत हो गई, एक आगे था जी, एक उसका वो कुंडा खोलने के कारण बचे हैं। तो क्या लगता है आपको, आग लगी है या लगाई गई? नहीं, लगाई गई है जी। किस प्रकार की चीज़ें आपको लगी ये ऐसी घटना, आग लगाई गई है? कोई भी लोग मिले हैं, संदिग्ध लोग आसपास? हाँ जी, मिले हैं, वो बाजे हैं देख के हमारे को, यहाँ से मैंने देख के बाजे हैं, बल्कि हम पाछे पड़े हैं उनके, तीन जने थे, दो मोटरसाइकिलों पे थे। उसके पीछे रिहायशी बेडरूम भी है, रसोई भी है। जो बेडरूम के अंदर दो आदमी सोए हुए थे, एक आदमी बाहर ठेके के अंदर था। तो रात को हमारे को सूचना मिली थी किसी व्यक्ति ने, अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा जो है ठेके के अंदर आग लगा दी गई है। हमने मौका पर जाकर के वहाँ फायर ब्रिगेड की सहायता से आग को बुझा रखे, मलबे से दोनों बोगियों को निकाल रखे और मामला दर्ज कर लिया गया है और तफ्तीश जारी है। दोनों बोगियों को पोस्टमार्टम के बाद पता लगेगा इनकी मृत्यु आग से हुई है या कोई शोर से हुई है। कितने की मृत्यु हुई है? एक तो ओम प्रकाश है, गाँव कुराड़ का, और एक नेपाली है। तो ये ठेका जो कहाँ पर पड़ता है? गाँव बाड़ों में थाना कलाए। तो कोई मतलब साजिश भी हो सकती है? अभी कुछ नहीं कहा जा सकते हमारे, किस किस कैद पर केस दर्ज किया है सर? अभी नाम नहीं किसी का, अज्ञात व्यक्ति का नहीं। किस किस कैद पर शिकायत की? शिकायत सतपाल सिंह, सतपाल ये ठेकेदार है, ठेकेदार है, हिस्सेदारी ठेकेदार है। और ये ओम प्रकाश जो इसमें मरे है, इसके भी हिस्सेदारी थी, ये भी ठेकेदार था जो? हाँ, हिस्सेदारी थी ठेके में, ओम प्रकाश है जो। तो ठेकेदार द्वारा क्या कुछ शिकायत दी गई है? उसके द्वारा शिकायत दी गई अज्ञात लोगों के द्वारा किसी अज्ञात कारण से जो है रंजिश रखते हुए और यहाँ लगाई है।